लक्ष्मीदास जी बाहर आइए, गजब हो गया। अरे क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रहा है तू? कोई मर गया है क्या? आपका बेटा? नहीं नहीं, मरा नहीं, मरा नहीं, ये रहा। बाबू, बाबू। क्या हो गया इसे? क्या हो गया मेरे लाल तुझे? क्या हो गया, क्या हो गया? पानी में डूब रहा था लक्ष्मीदास जी, इस बहादुर बच्चे ने इसे बचाया है। बेटे बेटे तेरा इतना एहसान है, इतना एहसान है, मैं मेरी जिंदगी दे दूं तो भी नहीं चुका सकता। ये ले तेरा इनाम, ये ले, ये ले तेरा इनाम और मेरे लाल के नाम की मिठाई खा लेना। हाँ जा। ए धनिया, तू तो बनिए का भी बाप निकला रे, ये 5 रुपए क्या भीख में दे रहा है? अरे जान बचाइए तेरे लड़के की, पूरे 500 रुपए लूंगा, 500, ना एक भी कम ना एक भी ज्यादा। 500 रुपए लेगा? हाँ। न एक भी कम न एक भी ज्यादा? ए धनिया, इधर मत मार, समझा क्या? क्यों? इधर छोटा दिमाग होता है, आदमी मर जाता है। छोटा बड़ा क्या, तेरे को तो दिमाग ही नहीं है साले, इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। जान बचाने के तू 500 रुपए लेगा? ए धनिया, तुम्हारी इंसानियत की बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ने वाली है, जल्दी से मुझे 100-100 की 5 हरी पत्ती दे दे तो मैं निकलूं। और न दूं तो? तो फिर कोई बात नहीं, कल जब तेरा बेटा मुझे मिलेगा ना, तो बड़ा सा पत्थर बांधकर उसे कुएं में धकेल दूंगा, फिर अपना हिसाब किताब फिट्टूस। और इसकी मिठाई है ना, तू खा लेना कंजूस साला। ए रुक 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 कहां जा रहा है हिसाब किताब फिट्टूस करके? बेटा ये ले तेरे 5 पत्तों की हरियाली, तेरा हिसाब मेरी खोपड़ी में बैठ गया। और सुन, दोबारा इस मामले में किसी पे एहसान करने मत आना। ए धनिया, मैंने कभी अपने बाप पे भी एहसान नहीं किया, तो तू कौन से खेत की मूली है? तू जा ना मेरे बाप, तू जा, जा तू जा। लक्ष्मीदास, ये लड़के को देख, इसके तेवर देख। अरे जो तेरी लक्ष्मी लूट के लेके जाए वो किसी और से क्या नहीं करवा सकता, बड़े काम की चीज है, जानी नहीं चाहिए। इधर तू रहता किधर है? अभी तो यही खड़ा हूँ, समझ ले यही मेरा घर है। समझ गया समझ गया, इस दुनिया में अकेला है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका लक्ष्मीदास होता है। देख, ये बस्ती मेरी है तो आज से तू भी मेरा है, आज से तू मेरा बेटा है। हा? और इस बस्ती का किराया तू वसूल करेगा। ये ले धनिया, इस महीने का बस्ती का भाड़ा 32,880 रुपए 12 आने। 12 आने कम है? ये ले, 150 रुपए इसमें और भी कम है। वो मेगा दीक्षित ने नहीं दी होंगी, मैं जानता हूँ। ये लड़की जब पहली बार इस बस्ती में आई अकेली, मैंने बोला इसके खाने के वांदे, इसके रहने के वांदे, रहम खाया। रहेगी कहाँ है, रहम खा, यही पाप किया ना मैंने, यही पाप किया मैंने। अब जब मैं उसे किराया मांगने जाता हूँ, कागज पूछती है, मुझे बोलती है तेरे झोंपड़े नाजायज है, नाजायज है, मैं अखबार में लिख दूंगी, पुलिस को बोल दूंगी। ऐसे लोगों से डरना ही अच्छा है, ऐसे लोगों से डरना ही अच्छा है भाई। नहीं डरता कौन है, लेकिन जब भी मिलती है ना तो भाषण झाड़ती है, एक बार कभी भिड़ जाऊंगा ना तो ऐसे बराबर कर दूंगा उसके अखबार के। चल तू अपने राशन की बात कर यार। नहीं दिया तो? क्यों भूल गया क्या, बड़ा पत्थर कुआ बेटा फिटोस। अरे धनिया इधर मारने का नहीं, इधर मालूम है छोटा दिमाग होता है, मालूम है। अरे मालूम है छोटा दिमाग होता है, बचपन से मारो, अभी तक मरा है क्या? शारीरिक संतुलन। ये ले तेरे 5 पत्तों की हरियाली ले और ऐश कर जा। क्या बापू, और मेरी जेब खर्ची? आ जा बेटे, आ जा, आ जा तू, आ जा मेरे को 500 रुपए दिए, देख क्या हवा रही, देख। साला दिन भर तो कुछ काम धंधा तो करता है नहीं, मोटरसाइकिल चमकाते रहता है। ये ले। ये क्या 100? अरे नसीब वाला है, मेरा बाप तो मुझे 10 रुपए देता था, फिर नसीब वाला है, ऐसा बाप तुझे कहां मिलेगा? जा ऐश कर, ऐश कर जा, ऐश कर जा। काश आज इसकी मां जिंदा होती, बाप की कंजूसी की खाई में बेटा अपने प्यार को दफना रहा है। अरे करूं भी तो क्या करूं, इतना कंजूस बाप तूने देखा है? नहीं, अब मरेगा तो पैसा साथ लेके जाएगा? नहीं, बचपन में मां गुजर गई, हाँ इकलौता लड़का हूं और जेब खर्च 100 रुपए। अरे आज की डेट में 100 रुपए कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं, फीस बचाने के चक्कर में जो कॉलेज नहीं भेजा था। हाँ। मुझे लगता है पैसे के चक्कर में मेरे प्यार की भी खटिया खड़ी करने वाला। ये प्यार की खटिया कैसे? अरे मैं बताता हूँ कैसे। इधर आ, ये देख ममता के लव लेटर्स, एक एक लव लेटर 25-25 रुपए का है। उसने मेरे जन्मदिन पे 25,000 रुपए खर्च किए थे, अभी 100 रुपए के साथ उसका जन्मदिन मना या मरण दिन? देख इस 500 रुपए से काम चल सकता है? अरे इससे क्या होगा यार, अरे कमाल है,
बच्चा समझ के कंधे पे लिया तो कान में मुद्दा है। अरे तू नहीं जानता, वो शहर के माने हुए बिल्डर योगराज की बेटी है। अरे 500 रुपए तो यू उड़ाती है। देख प्रताप, तू कुछ भी कर, बापू को पटाके एक 5000 रुपए दिलवा दे। तू जानता है ना, तेरी बात नहीं टालेंगे। अरे ममता के होने वाले मियां, तू अपने बाप को अच्छी तरह जानता है। उसके सर के बाल झड़ेंगे तो उसका टूथब्रश बनाकर वो अपना मुंह साफ करेगा। उसके पास से 5000 रुपया लाना मतलब भूखे शेर के मुंह से बोटी छीनने के बराबर है। लगता है धनतेरस की पैदाइश है। हर बात पे लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। लक्ष्मी भेजना तो बहू के रूप में भेजना, ताकि घर में आए और स्थिर हो जाए। और मेरी लक्ष्मी पे नजर डालने वाले का मुंह काला कर देना माँ। जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण वासुदेवाय, जय लक्ष्मी नारायण वासु। ये क्या प्रताप, तूने चोरी की? यार कैसी बात करता है। एक अच्छे कार्य के लिए मैंने तेरे बापू का बोझ थोड़ा हल्का कर दिया, उसको चोरी बोलता है? वैसे वो लुढ़क जाएगा तो इस लक्ष्मी का वारिस तू ही तो है। अपने जेब में हाथ डाले को चोरी थोड़ी बोलते हैं। कहीं बापू को मालूम पड़ गया ना, मिर्गी आ जाएगी। यार उनकी हरकतों को तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। पैसे गिनते नहीं तोलते हैं। उनका कहना है लक्ष्मी गिनने से कम हो जाती है। हर महीने का जो भी भाड़ा आता है ना, वो ऐसे सोच मत यार। फूक फूक दे, ममता के नाम फूक दे। तो ठीक है प्रताप, जो होगा देखा जाएगा। मगर पार्टी में तुझे भी आना पड़ेगा। एक काम कर, ये चेन पहन, कबर्ड में से शर्ट निकाल और जरा सेक्सी बन जा। लेकिन हमें जाना कहाँ है? लव लव, यू वॉन्ट मी टू डांस लाइक माइकल जैक्सन। अरे चलना है यार, अंदर आ जाओ। बहन जी, अब आपके सिवा हमें कोई नहीं बचा सकता। बहन जी कोई नहीं बचा सकता। पुलिस खिलाफ, कानून खिलाफ, सरकारी अफसर खिलाफ, नेता खिलाफ, हम आदिवासियों को बचा लीजिए बहन जी। बहन जी वहां पर वो लोग वहां होटल खोलना चाहते हैं, इस मुसीबत से हमें बचा लीजिए बहन जी। इस तरह डर डर कर कब तक जियोगे तुम लोग? हम बेबस लोग और कर भी क्या सकते हैं। पुलिस और गुंडों की ताकत मिलकर बस्ती को उजाड़ देगी, और हम बगावत करें तो भी किसके सामने। ये है बगावत। कल इस आर्टिकल के छपते ही जितने खरीदे हुए नेता है ना, उनकी कुर्सियां हिल जाएंगी, और कल तक जो तुम्हारे भक्षक थे ना, वही तुम्हारी रक्षा के लिए तैनात हो जाएंगे। वाह 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 वाह, कलम वाली भाई वाह। अखबार के दम पर गरीबों के झोपड़े बचाने निकले हैं। वाह वाह, लेकिन वो जमाना गया जब अखबार को लोग तोप समझते थे। अब तो धंधा बन गया अखबार। पैसा कमाने के लिए कुछ भी उल्टी सीधी हेडलाइन छापते हैं ये लोग। बाला साहब की चेतावनी, अडवाणी अज्ञातवास में, इमाम की गिरफ्तारी, मजाक होगा ये तुम्हारा अखबार। और एक बात जानती हो, तुम्हारे अखबार पर सुबह बच्चे हकते हैं। ये तुम्हारी गलतफहमी है। अखबार में बहुत ताकत है, टक पलट देता है अखबार। सहमे हुए लोगों में ज्वाला भड़काकर क्रांति लाता है ये अखबार। अरे 47 से कौन सा तख्त पलटा? जो लोग गीता रामायण कुरान पढ़कर नहीं जागे, वो तुम्हारा अखबार पढ़कर कौन सी क्रांति लाएंगे? सोने दो इनको, बरसों से सोने की आदत पड़ी है उनको। सोने दो। बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, तो सामने आ, उन बेबसों का हाथ थाम, जगा उन्हें। अरे जगाया तो जिंदा लोगों को जाता है, मुर्दों को नहीं। यहाँ है कौन जिंदा? ना इश्क में हो जनरेशन गैप, हम मिलके करेंगे आज। लव रैप टिंगडिंग टिंगडिंग, लव रैप टिंगडिंग टिंगडिंग, लव रैप। नेहा बहन, मेरे पति को फैक्ट्री जाना है, मुझे जल्दी पानी भरने दो। अच्छा भर लो। बहन तुम्हारे यहाँ तो किसी को काम पे नहीं जाना है, हमारे घर सब काम काजी हैं। मुझे पानी भरने दो ना। ठीक है। अरे ओ उजड़े जमान, अच्छाई उतनी करो जितनी अच्छी लगे। ज्यादा अच्छाई में प्यासे रह जाओगे। अरे वो कल्याण जी भाई सूचे आ गोला बजाओ छो। अरे एक बीड़ी तो पी उड़ाते जाओ। अरे मेरे पास एक बीड़ी है यार, वो भी बाजू वाला हुसैन भाई से मांग के ली है, इतने बचाए दे। अरे वही दे देना। अरे ये तेरे को दे दूंगा तो मेरे को उधर वादे हो जाएंगे ना, समझ तो क्या। बस समझी गए। भिखारी कहीं का बीड़ी भी मांग के पीता है, एक बंडल नहीं खरीद सकता। अरे अरे मेरा जीपा लेके चला गया, अरे मेरा काम खराब हो जाएगा। माँ मुझे भूख लगी है, चलना माँ। अभी चलती हूँ, पानी भर लूँ। गुड मॉर्निंग कलमाली भाई। स्टूपिड, खाना बकना।
कैसी होने आ बहन? ठीक हूँ, पहले आप ले लीजिए। ये भी गया। देखा, आज भी तुझे पानी नहीं मिला। तू वक्त से पहले आ जाती है फिर भी, और मैं बाद में आती हूँ फिर भी। देखा उजड़ा जवान, इसीलिए तो कहता हूँ वक्त के साथ चलो। वक्त के आगे चलने वाले भी पैसे, पीछे चलने वाले भी पैसे। अपना देख कैसा टाइम पे है साहब। माँ चलना, माँ भूख लगी, खाना देना। चलते हैं। देखा देखा उजड़े जमान, हमारे देश का भविष्य भूखा भी और नंगा भी। यहाँ सुबह लोग उठकर खाने को रोटी मांगते हैं, पढ़ने को अखबार नहीं। तू इतना समझदार है, अरे जो बातें तू मुझे सुनाता है वो जाकर लोगों को क्यों नहीं समझाता? मैं समझदार हूँ या अखबार में भी आ गया क्या? अरे जो मुँह में आता है वो बक देता हूँ। अरे मगर प्रताप, तू जो भी बकता है ना उसमें सच्चाई होती है। अरे कहीं ना कहीं छुपी हुई आग होती है। हंसता क्या है? अगर यही बातें तू लोगों को जाकर समझाएगा तो मुझे अखबार में लिखने की जरूरत क्या है? तू कहता है ना कि गरीब अखबार नहीं पढ़ते, मगर तेरी आवाज तो सुन सकता है। सुन लो आवाज, अब रामवाणी शुरू होगी। खुद यार कमीनियत फरामजादी, पानी भरने गई थी आंख में टक्का करने। हाँ बोल, आखिर तुझे पानी क्यों नहीं मिलता? सबको पानी मिलता है, तुझे नहीं मिलता? चल हट। अब बर्तन कैसे धोएगी, कपड़े कैसे हो? बचा लो मेरी माँ को, बचा लो मेरी माँ को, वरना बुआ उसे मार डालेगी। देख छोटू, आदमी एक बार किसी की मदद का मोहताज बन जाता है ना, जिंदगी भर इसी तरह गिड़गिड़ाता रहता है। तेरी माँ खुद बचा ले। मैं तो इतना छोटा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ मतलब, रास्ते पर बिजली के बल्ब तोड़े हैं कि नहीं? हाँ तोड़े हैं। तो फिर सोचता क्या है, माँ से एक पत्थर उठा और उस चुड़ैल के सर को बिजली का बल्ब समझ कर तोड़ दे, हमेशा के लिए झंझट खत्म। चल भाग। मेरे भाई को तो खा रही हो, मेरे सीने पे बैठी है। मुझे किसने मारा? क्या हुआ जीजी? तू रक्षा करना जानता है और सजा दिलवाना भी जानता है, न्याय क्या है ये तू अच्छी तरह जानता है, तो फिर हर बात को तू हंसी में क्यों टाल देता है? अरे खुद भी जाग और लोगों को भी जगा। अरे फिर ये जागने जगाने की बात। अरे एक कलम वाली भाई, मैं तेरे पाँव छूता हूँ, मेरे को उसल पाव खाने दे। मुझे गांधी नहीं बनना, मुझे सुभाष चंद्र बोस नहीं बनना, मैं भूखा हूँ, मुझे खाने दे, क्यों मेरे पीछे पड़ी है? समाज सुधारक बनाने चली है मुझे। पागल हो गया क्या? नाश्ता नहीं करने देती है। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग। दिन निकल आया फिर भी आपकी सुबह अभी तक नहीं हुई। आठ। अरे बेटी नींद पूरी ना हो ना तो मेरा पूरा दिन खराब जाता है। पहले आप मेरा आज का दिन तो अच्छा कीजिए, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है, मेरी कॉलेज की ट्रिप शिमला जा रही है। रुपए? ये लो तिजोरी की चाबियां, जितने पैसे चाहिए निकाल लो। थैंक यू डैडी। जा। हेलो। नींद से जागो योगराज, और आज का अखबार पढ़ो। अब तुम्हारा कांडवा गांव में होटल बनाने का सपना सपना ही रह जाएगा। अरे मंत्री होते हुए भी सुबह सुबह ऐसी मनहूस खबर सुनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती देशमुख? अरे कौन आया हमारे बीच में? अरे वही अखबार वाली मेघा दीक्षित, और कौन? आज के हर अखबार में हेडलाइन के साथ गांव के आदिवासियों की हिफाजत के लिए लंबा चौड़ा लेख छपा है, पढ़ो पढ़ो। और तुम तो जानते हो कि उसके नाम के चर्चे दिल्ली तक है, और आज ही दिल्ली से कांडवा गांव की सुरक्षा के लिए हॉटलाइन पे अभी अभी मुझे फोन आया है। अब मुझे मजबूरन वहां पर पुलिस भेजनी पड़ेगी। तो फिर उस बस्ती को खाली करवाने का कोई रास्ता नहीं? बस एक ही रास्ता बचा है योगराज, और वो है चतुर सिंह चिता।
कौन था यार ये? इसको देखते लोग खामोश क्यों हो गए? तू जानता नहीं इसे? नहीं। ये चतुर सिंह चीता था। अच्छा, जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह। हाँ? उसकी गाड़ी का नंबर देखा? नहीं। AIK No. 1। मतलब ऑल इंडिया किंग नंबर वन। अच्छा, जहाँ जहाँ जाता है खामोशी छा जाती है। लकी नंबर एक सदा, एक सदा। खोल कर लगा। अबे क्यों रोक दिया चक्कर हराम जाते? मेरा नंबर लग रहा था। अरे चुप क्या? अरे, 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 अरे,